किसी का भी व्हाट्सएप पे स्टेटस कैसे डाउनलोड करते हैं, सीधा अपने फोन की गैलरी में, वो भी बिना कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल किए। अगर दोस्तों आप व्हाट्सएप से किसी का भी फोटो स्टेटस या फिर वीडियो स्टेटस ऑडियो के साथ अपने फोन की गैलरी में डाउनलोड करना चाहते हो तो ये काम आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, और इसके लिए आपको अपने फोन में कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल नहीं करना है। लेकिन ये होगा कैसे, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना और साथ में लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप WhatsApp से किसी का भी फोटो स्टेटस या फिर वीडियो स्टेटस ऑडियो के साथ अपने फोन की गैलरी में डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में WhatsApp को ओपन करके स्टेटस वाले सेक्शन में जाना है और आपको उस स्टेटस को प्ले करना है जिसे आप अपने फोन की गैलरी में डाउनलोड करना चाहते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखना कि आपको उस स्टेटस को पूरा लास्ट तक देखना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा स्टेटस देखना है बिना स्किप किए हुए। अगर आप किसी भी स्टेटस को आधा अधूरा या फिर स्किप करके देखोगे फिर वो स्टेटस आपके फोन में डाउनलोड नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं इस बंदे के स्टेटस को देख रहा हूँ, दो वीडियो को देख चुका हूँ और तीसरा वीडियो चल रहा है। अगर ये वीडियो है या फिर फोटो स्टेटस भी है तो उसे आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, तभी वो आपके फोन में जाकर के सेव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप देख सकते हो मैंने ऑलमोस्ट इसके स्टेटस को देख लिया है, अब ये दूसरा स्टेटस शुरू हो गया। जैसे ही आप पूरा स्टेटस देख लोगे वो स्टेटस आपके फोन में जाकर सेव हो जाएगा, अब आप अपने फोन में उस स्टेटस को देख सकते हो। लेकिन वो सारा स्टेटस फोटो या फिर वीडियो आपके फोन में कहां दिखेगा, चलिए अब मैं वो आपको बताता हूं। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने फोन में फाइल मैनेजर वाले ऐप को ओपन करना है। ये फाइल मैनेजर वाला ऐप दोस्तों हर एंड्रॉइड फोन के अंदर होता है, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का फोन हो, कोई भी मॉडल हो, ये फाइल मैनेजर वाला ऐप आपके फोन में जरूर मिल जाएगा। हर फोन में दोस्तों ये फाइल मैनेजर वाला ऐप थोड़ा अलग अलग नाम से होता है, किसी फोन में फाइल्स के नाम से होता है, किसी फोन में माई फाइल के नाम से होता है और किसी फोन में फाइल मैनेजर के नाम से होता है। कुल मिलाकर के आपको फाइल मैनेजर वाले ऐप को ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ ऊपर कोने में इस तीन माइनस पे क्लिक करके सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है, और दोस्तों इस पेज पे लास्ट में आपको एक सेटिंग मिलेगा शो हिडन फाइल्स। बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग आपके फोन में ऑफ होगा, इस सेटिंग को आपको ऑन कर देना है, ठीक है। इसे ऑन करने के बाद से आपको वापस फाइल मैनेजर को होम पेज पे आ जाना है। इस पेज पे आपको यहाँ ऊपर साइड में या फिर आपके फोन में नीचे हो सकता है इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे फोल्डर देखने को मिलेंगे, इसमें से आपको एक फोल्डर मिलेगा एंड्रॉइड के नाम से, इस पे क्लिक करना है। फिर इसके अंदर मीडिया का फोल्डर मिलेगा, इस पे क्लिक करना है, और इसके अंदर दोस्तों आपको एक फोल्डर मिलेगा com.whatsapp के नाम से, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों इसके अंदर सबसे नीचे देखिए मीडिया का फोल्डर मिलेगा, इस पे क्लिक करोगे तो इस पेज पे दोस्तों आपको एक फोल्डर मिलेगा .statuses के नाम से। स्टेटस के नाम से दोस्तों आपको यहाँ पे दो फोल्डर मिलेगा _status .status। आप ध्यान रखना आपको .status वाले फोल्डर को ओपन करना है। जब आप इस फोल्डर को ओपन करोगे तो आपने व्हाट्सएप पे जितना भी स्टेटस देखा है, चाहे फोटो स्टेटस या फिर वीडियो स्टेटस, वो सारा स्टेटस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये वाला एक स्टेटस दिखा था, इसमें दोस्तों आपको ऑडियो भी मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको ऑडियो को प्ले करके नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मेरे वीडियो पे कॉपीराइट का स्ट्राइक आ सकता है, ठीक है। दूसरा वीडियो ये था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक और वीडियो मैंने देखा था, वो भी वीडियो इसी में कहीं होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तीन वीडियो मैंने देखा था, ठीक है, ये वाला वीडियो, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये सारा वीडियो या फिर फोटो अभी हिडन फोल्डर्स के अंदर है। अगर आप अपने फोन के गैलरी को ओपन करोगे, मैं अपने फोन की गैलरी को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, और पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं भी वो स्टेटस वाला फोटो या फिर वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसे अपने फोन की गैलरी में लाने के लिए आपको क्या करना है, उस स्टेटस को प्ले करना है, और फिर आपको यहाँ कोने में थ्री डॉट पे क्लिक करके मूव टू, या फिर आपके फोन में यहाँ नीचे ही हो सकता है, उस पे आपको क्लिक करना है और इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करके किसी भी फोल्डर में सिंपली आपको मूव कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप मूव कर दे, चलिए इसको भी मैं मूव कर देता हूं, मूव टू डाउनलोड फोल्डर में कर देता हूं, दो मैंने मूव कर दिया। अब आइए मैं अपने फोन के गैलरी को ओपन करता हूं, और यहां पे दोस्तों आप देखिए एल्बम पे क्लिक करता हूं, और अब ये दोनों स्टेटस मेरे फोन की गैलरी में आ चुका है, ये फोटो स्टेटस है
और ये वीडियो स्टेटस है। तो इस तरह से दोस्तों आप व्हाट्सएप से किसी का भी फोटो स्टेटस या फिर वीडियो स्टेटस अपने फोन की गैलरी में डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पे देख रहे हो तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लेना।